दोस्तों नमस्कार, एमएस क्रिको तंत्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों वेस्टइंडीज और भारत के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत आज से होने जा रही है। यह भारत के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 चक्र का पहला मुकाबला भी होगा। 2002 के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है और इस बार भी हारने की उम्मीद काफी कम है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा और उनकी टीम वेस्टइंडीज को हल्के में लेने का भूल नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हल्के में ली तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको 5 कारण बताता हूं जिससे कि भारत को वेस्टइंडीज को हल्के में लेने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और लिखिए कि फर्स्ट टेस्ट में किस बल्लेबाज के बल्ले से शतक निकलेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या कोई और। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम को वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं लेना होगा, नहीं तो ये 5 वजह है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। नंबर 1, वेस्टइंडीज को होम एडवांटेज का फायदा। दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए सबसे फायदे की बात है कि वह अपने घर में खेल रही है। टेस्ट में कोई टीम कितनी भी कमजोर हो लेकिन घर में खेलने का हमेशा एडवांटेज उसके पास होता है। टीम अपने हिसाब से पिच तैयार करवा सकती है, विपक्षी टीम को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। नंबर 2, भारतीय टीम का अनुभवहीन तेज आक्रमण। दोस्तों भारतीय टीम 5 तेज गेंदबाजों के साथ वेस्टइंडीज गई है। इसमें सिर्फ मोहम्मद सिराज ने 10 से ज्यादा टेस्ट खेले हैं, शार्दुल ने 9, नाथकाट ने 2, जबकि नवदीप सैनी ने सिर्फ 1 टेस्ट खेला है। मुकेश कुमार का अभी तक डेब्यू भी नहीं हुआ है। इनमें से किसी के पास वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव नहीं है। नंबर 3, रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में खराब फॉर्म। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम के 2 प्रमुख बल्लेबाज हैं और दोनों के बैट से रन नहीं निकल रहे। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों का बल्ला शांत रहा था। वेस्टइंडीज के पिछले दौरे पर विराट कोहली ने सिर्फ 136 रन बनाए थे और रोहित शर्मा 2016 के बाद वेस्टइंडीज में कोई टेस्ट मैच खेलेंगे। नंबर 4, विकेट कीपर की समस्या। दोस्तों ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद से टीम इंडिया टेस्ट में विकेट कीपर की परेशानी से जूझ रही है। केस भरत विकेट कीपर तो अच्छे हैं लेकिन बल्लेबाजी में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, जबकि पंत बल्ले से मैच पलट सकते हैं। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट के सामने विकेट कीपिंग को लेकर सवाल बने हुए हैं। नंबर 5, वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी। दोस्तों वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी में काफी अनुभव है। केमार रोच 77 तो सैनन ग्रेबियल 58 टेस्ट खेल चुके हैं, जबकि अल्जारी जोजेफ के पास भी 28 टेस्ट का अनुभव है। और तो और दोस्तों भारत की बैटिंग में शुभमन गिल के साथ ही यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव नहीं है। इसी वजह से रोहित सिन्हा वेस्टइंडीज को हल्के में लेने का भूल नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।